हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी वाशने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद मीनाक्षी वाशने। और आज हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि पॉलीनोमियल की है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है, पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। मतलब तीनों क्वेश्चंस पे आपको चेक करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलीनोमियल की। ये एक पॉलीनोमियल है। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आए। जैसे वर्ड पॉलीनोमियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बताई हुई हैं, तो पहले प्लीज़ इंट्रोडक्शन को देखिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x², आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपको यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। बस कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है और जो वैल्यू निकला है वही हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली को लेकर चल रही हूँ, -5x² - 4x² + 3। ओके, फर्स्ट वाले के लिए सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 पुट कर रही हूँ। तो 5 × 0 पुट करने का मतलब x की जगह आपको 0 रखना है। बहुत सारे बच्चे ना क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या पुट करना है क्या नहीं करना, तो वो चीज़ें मैं अब आपको क्लियर कर दे रही हूँ। या कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होती हैं, हम लोग मतलब छोटी क्लास को पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमसे बेसिक की नहीं आती हैं वो आप यहाँ देख लीजिएगा। एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स की जगह 0 रखा। भाई, एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। -4 0² + 3 5 × 0 यानी कि 0 हो गया, तो यानी कि ख़त्म इसका गाना कहानी। यहाँ पे 4 × 0 करेंगे, 0² 0 ही होगा, और फिर 4 × 0 करोगे तो वो भी 0 होगा। 0 - 0 + 3 क्या आया? 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। कुछ था? कुछ भी नहीं है। चलिए, इसी के लिए अब मैं एक्स इक्वल टू -1 और रख के देखती हूँ। चलिए -1 पुट करते हैं। तो क्या था इक्वेशन आपकी? 5x - 4x² + 3। अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आ रही तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी भी एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगी आप लोगों के लिए, जिससे आपके लिए आसानी होती रहे। चलिए, -1 डालना है एक्स की जगह। 5, मैंने जैसे कि बताया मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो मैं उसकी जगह ब्रैकेट लगा दूँ, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का भी एक वही एक काम है जो कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का काम है। इसका मतलब क्या हो गया? 5 और -1 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 5 और डायरेक्ट -1 लिख दो, यानी कि ये गलत हो जाएगा। आपने ब्रैकेट लगाया है तो ही मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो ये 5 - 1 और 4 आप ऐसे कर दोगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ इन्हें ध्यान रखिएगा। 4 - 1² + 3 5 × -1 करेंगे तो -5 - 4 तो ये है ही है, ठीक है। -1² करेंगे तो क्या आएगा? 1। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप माइनस, आपका जो माइनस पे पावर होती है इवन होती है, तो वो आंसर पॉजिटिव ही आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि -4 की पावर 8 है, 8 आपका कैसा नंबर है? इवन है। तो जब इसे सॉल्व करोगे, 4 की पावर 8 जो भी होगा वो आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। किस में आएगा? वो प्लस में आएगा। लेकिन यही अगर मैं इसकी पावर को समथिंग समझ लीजिए, जैसे मैंने बोल लिख दूँ -4 की पावर 3 लिख दिया, तो ये जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बोर्ड मास तो हमने सॉल्व करे हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा -4 + 3। इसे सॉल्व करेंगे -5 - 4, हालांकि अब ये बोर्ड मास वाला नहीं है, अब तो आप नॉर्मल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो ऐसा नहीं कि अब छोटी क्लास है तो पहले माइनस करना है, पहले प्लस, जो भी आप सॉल्व कर लीजिए आंसर वही आएगा। ये हो जाएगा -9 + 3 और सॉल्व करके आ गया -6। ओके, कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं आने वाला है, ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आएगा। अगला है x = 2, ये a हो गया आपका, ये b वाला हो गया और ये c, x = 2। चलिए, तो 2 पुट करते हैं। 5x - 4x² + 3 x की वैल्यू क्या है -1 - 2 - 4 2² + 3 5 × 2 = 10 -4, पहले 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 + 3 10 -4 = 16। देखिए मैंने क्या किया है, 5 × 2 = 10 माइनस
पहले टू का स्क्वायर ओपन किया, फोर, ये वाला फोर ऐसे ही आ गया, इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन था तो वो लगा दिया मैंने, प्लस थ्री, टेन का टेन आ गया, फोर फोर जा सिक्सटीन, प्लस थ्री। अब ऐसे सॉल्व कर लो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, माइनस का सिक्स आएगा भाई, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस होगा। तो हमने 16 में से 10, हमें पता है कि हम बड़ी में से छोटी संख्या को ही माइनस करते हैं, तो 16 में से 10 गया, 6 बचा, लेकिन बड़ी चीज पे किसका साइन है, माइनस का। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ना क्या होता है कि वो पूछते नहीं हैं, और यही परेशानी आगे आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएट हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड पी ज़ीरो पी वन पी टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आपको जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी हैं, ये वही है, एज इट इज़ वही है, कुछ भी नया नहीं है, बस आपको एक क्वेश्चन में ही तीनों वैल्यू फाइंड करनी है, एक क्वेश्चन से ही। ओके, तो चलिए पहले एक को ही देख लेते हैं, फर्स्ट वाले देखिए, आपके पास है पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। उसने बोला तीनों वैल्यू फाइंड करनी है, पी ज़ीरो भी, पी वन भी, पी टू। यहाँ पे जैसे हमने वैल्यूज़ फाइंड करी थी, वैल्यूज़ रख के यहाँ भी सिर्फ वही करना और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले मैं पी ज़ीरो फाइंड कर रही हूँ, यानी कि वाई की जगह ज़ीरो रखा है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वाई की जगह ज़ीरो रखना है, ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन। ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब मैं बार बार इसे सॉल्व प्रॉपर तरीके से नहीं करूँगी, मैं यहाँ इस तरीके से सॉल्व करके बता चुकी हूँ। ओके, तो और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं और डीपली, तो देखिए ज़ीरो का स्क्वायर करोगे ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो है, ज़ीरो क्या बचेगा, वन बचेगा। अब अगला क्या है, पी वन, सबके लिए ईच इक्वेशंस में आपको यही फाइंड करना, हर एक इक्वेशन में तीनों ही वैल्यू फाइंड करनी है। पी वन को देखते हैं, ओके, पी वन के लिए वाई स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, माइनस वन प्लस वन, और ये एक प्लस का वन है, एक माइनस का, वन कट कर दिया मैंने, क्या बचा, वन बचा, पी वन हो गया। अगला देखिए पी टू, यानी कि y की जगह अब आपको 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 यानी कि 3। ओके, हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपको। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला है आपका पी टी इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी क्यू। चलिए आगे देखते हैं, सर क्या करना है आपको, वापस से P 0 पुट करना है, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर सॉरी। तो आप एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी वेरिएबल आता है ना ये किसी भी कॉन्स्टेंट के साथ, और अगर आपसे ज़ीरो पुट करवा रहे हो तो वो सारी वैल्यू ज़ीरो ही हो जाती हैं, बस जो इसके साथ वेरिएबल नहीं है वो बच जाता है, जैसे कि यहाँ मेरा टू बच गया, ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। ये थोड़ी ईजी ट्रिक्स हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतना हम छोटी छोटी चीज़ों को इतना सॉल्व करें डीपली जाके। ओके, पी वन तो टू प्लस टी की जगह में रखा मैंने, प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। ओके, तो टू प्लस वन प्लस, इसे ओपन करेंगे टू इंटू वन आएगा तो टू ही लिख दें, माइनस का वन, देखो प्लस का वन और माइनस का वन कट गया, आंसर आ गया फोर। पी टू को देखते हैं, पी टू में क्या है, टू प्लस टू, भाई इसकी जगह तो वैल्यू को रख रहे हैं, ये टू प्लस टू प्लस टू, और टी की जगह टू रखा तो इसका स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, टू प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर फोर, टू का क्यूब एट, टू प्लस टू प्लस फोर टू जा एट माइनस एट, देखो प्लस का एट माइनस का एट कट गया फोर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, थर्ड वाला क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, और इजी हो गया, ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो आ गया भाई, ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो हो गया,
है ना, पी वन रखेंगे, वन का क्यूब वन ही हो जाएगा, और पी टू रखेंगे तो टू का क्यूब क्या हो जाएगा, एट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी का। चलिए आपको क्या करना है, वही जीरो रखना है एक बार, तो एक्स की जगह जीरो रखते हैं, जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन, माइनस वन ही आएगा इन टू, यहाँ प्लस का वन ही आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन। पी की जगह वन रखते हैं, देखो ये माइनस वन बचा, यहाँ प्लस वन बचा, तो वन इंटू वन वन आएगा और माइनस प्लस माइनस आ गया। वन रख के देखते हैं, वन माइनस वन और वन प्लस वन, वन माइनस वन ज़ीरो इन टू, यहाँ ऐड कर दो टू, और टू का जीरो का किसी मल्टीप्लाई करो, ज़ीरो। लास्ट है आपका ये पी टू, टू माइनस वन और टू प्लस वन, टू माइनस वन यानी कि वन इन टू, टू और वन थ्री, आ गया थ्री। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, और ट्राई करिएगा और क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अपने इस एक्सरसाइज के बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अपनी अगली वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।